Assalamu alaikum dear students, in today's lecture we will learn 10 new idioms. Have a look at the idioms given to you. The first takes blue-eyed boy. That means a person who is assumed to be very favorite. So a blue-eyed boy is a boy who is favorite of others. Ali is a blue-eyed boy in the class. Ali class ka blue-eyed boy hai, class ka favorite bacha hai. नेक्स्ट इज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. किसी नागहानी आफत का आ जाना अचानक से उसको कहते हैं. द सडन डेथ ऑफ हिज फादर वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर हिज फैमिली. उसके बाप की जो अचानक मौत है उसके लिए एक नागहानी आफत थी. बोन ऑफ कंटेंशन. बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है फसाद की जड़ होना. दिस प्रॉपर्टी इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स. ये प्रॉपर्टी, ये ज़मीन इन दोनों भाइयों के दरमियान झगड़े की वजह है. ब्रोकन रीड. अब ब्रोकन रीड उसको बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं जो अपनी नस्ल से या अपने गिरोह से अलग हो जाती है. और इसका मतलब वो पर्सन होता है जो फेथफुल ना हो. डू नॉट ट्रस्ट हिम एज ही इज़ अ ब्रोकन रीड. उसका भरोसा नहीं करो क्योंकि वो अपनी नस्ल से अलग हुआ हुआ है, क्योंकि उसका भरोसा नहीं किया जा सकता. बाय लीप्स एंड बाउंड्स. दिन दुगनी रात चुगनी. इमेंस. आर कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स. हमारी कंट्री बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है. बैरी द हैचेट. रिमेंबर ये वर्ड BURY बरी नहीं है, आप इसको बैरी बोलेंगे. बैरी द हैचेट. हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ा, एक्स, कोई भी टूल. तो जब उसको आप बैरी कर देते हैं, आप उसको दफन कर देते हैं, दैट मीन्स कि आपने एक कॉज ऑफ फाइट को ख़त्म किया है, आप अमन की तरफ गए हैं. सो लेट अस बैरी द हैचेट एंड बी गुड फ्रेंड्स. चले हम इस फसाद की जड़ को, इस लड़ाई को ख़त्म कर देते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं. यहाँ पे बैरी, आप देखिएगा ये वर्ड जो बैरी है, आप इसको स्मॉल कीजिए. बाय मिस्टेक मैंने इसको कैपिटल कर दिया है, आपने इसको स्मॉल करना है, ये वाला करना है. ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए ब्रिज ओवर. ब्रिज ओवर का मतलब है पार कर लेना. विद हार्ड वर्क यू कैन ब्रिज ओवर योर डिफ़िकल्टीज. मेहनत करके आप अपनी डिफ़िकल्टीज़ को पार कर सकते हैं. कॉल अ स्पेड अ स्पेड. खरे को खरा कहना. दिस पॉलिटिशियन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये पॉलिटिशियन जो है ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमेशा सीधी बात करता है. एज ही ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड अ स्पेड, क्योंकि ये हमेशा खरे को खरा कहता है. कॉल नेम्स. बुरे अलकाबात से किसी को नवाजना. इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट टू कॉल अदर नेम्स. दूसरों को बुरे अलकाबात से बुलाना एक बहुत बुरी आदत है. आपका लास्ट वन फॉर द डे इज़ कैरी द डे. कैरी द डे जीत जाना, फतेह याब हो जाना. बाबर द किंग कैरी द डे इन द बैटल ऑफ पानीपत. बाबर बादशाह ने पानीपत की लड़ाई में फतह पाई. ठीक है बेटे, तो आज की क्लास के लिए आपके सिर्फ ये 10 idioms हैं जिनको आप सुबह की क्लास के लिए लर्न करेंगे. एंड आई होप कि सुबह आपकी टेक्स्ट बुक जो है सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न एसेज आपके पास आ जाएगी. तो कल से हम idioms के साथ साथ टेक्स्ट को भी रीड आउट करना शुरू करेंगे. अब इसके बारे में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, कोई डिफ़िकल्टी है आज की क्लास के लेक्चर को लेके या कल के idioms को लेके, वो अभी आप मुझसे पूछना शुरू करेंगे. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.